गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सपोर्ट करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। एक समय की बात है, गुरुजी और उनके शिष्य भाई बाला और भाई मर्दाना अपनी यात्रा करते हुए एक पहाड़ पर पहुंचे। पहाड़ पर एक नगर बसा हुआ था। उस नगर का नाम देव गंधार था और उसके राजा का नाम देवलूट। भाई मर्दाना बोले, गुरुजी देखो, पहाड़ पर एक नगर दिखाई दे रहा है, क्यों ना हम लोग वहीं जाकर कुछ देर आराम कर लें। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मर्दाने तुम्हारा मन तो शहर में ही लगता है। गुरुजी क्या आपको हम पर तरस नहीं आता? हमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया और आप मजाक कर रहे हैं। गुरुजी भाई बाला की तरफ देखकर बोले, भाई बाला क्या तुम्हें भी भूख लगी है? नहीं गुरुजी, मगर मर्दाना सही है। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया, मर्दाने यह नगर कोदर राक्षस के नगर की तरह है। यहाँ पर भी कढ़ाई में इंसान को गरम तेल में तलकर खाया जाता है। भाई मर्दाना ने यह बात सुनकर नगर में जाने से साफ इनकार कर दिया। वह बोले, मैं इस शहर में कभी नहीं जाऊंगा, पहले भी बड़ी मुश्किल से वापिस बच के आया था। परंतु गुरुजी ने कहा, नहीं मर्दाना, इस नगर में तो जरूर जाएंगे, नहीं तो हमारा यहाँ आने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। गुरुजी की बात मानकर दोनों उनके साथ नगर की ओर चल दिए। गुरुजी नगर से कुछ ही दूरी पर रुक गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गुरुजी ने बताया, यहाँ के राजा का नाम देवलूट है और इसकी सेना में 17 लाख सैनिक है। अभी वह बातें कर ही रहे थे कि राजा देवलूट अपने सैनिकों सहित शिकार खेलते हुए वहां पहुंच गया। उसने उन तीनों को वहां बैठे देखा तो उसने अपने 3 सैनिकों को उनको पकड़ने के लिए कहा, जाओ और उन तीनों को पकड़ कर मेरे पास ले आओ। आज के दिन यह हमारे शिकार हैं, इन्हें हम तल कर खाएंगे। जब तीनों सैनिक गुरुजी के पास उन्हें पकड़ने पहुंचे तो उन्हें गुरुजी दिखाई नहीं दिए। वह लौटकर राजा के पास आए और बोले, राजन वहां तो कोई नहीं है। राजा ने दूसरे 3 सैनिक बुलाए और कहा, तुम जाकर उन तीनों को पकड़ कर लाओ। परंतु इस बार भी यही हुआ, सैनिकों को गुरुजी दिखाई नहीं दिए। इसी प्रकार राजा ने 7 बार अपने सैनिक भेजे। मगर हर बार सैनिक अंधे होकर वापस लौटे, उन्हें गुरुजी और उनके शिष्य दिखाई नहीं देते थे। राजा देवलूट परेशान हो गया। उसने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा, मंत्री जी क्या हो रहा है? जो भी उन्हें पकड़ने जा रहा है वह अंधा होकर आ रहा है। हे राजन, मुझे लगता है यह कोई आम इंसान नहीं है, यह तो कोई दिव्य आत्मा है। मैं मन में सेवा भावना लिए उनके पास जाता हूँ। अगर मैं भी अंधा हो गया तो जो भी आपको ठीक लगे वह मेरे साथ करना। मंत्री मन में शुद्ध विचारों के साथ गुरुजी के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। वह अंधा नहीं हुआ। उसने गुरुजी से पूछा, हे सतगुरु, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? गुरुजी ने कहा, मेरा नाम नानक निरंकारी है और मैं अमरा नगर से आया हूँ। यह अमरा नगर कहाँ है? अमरा नगर दिशाओं से परे है। गुरुजी ने अपना शारीरिक नगर ना बताकर जहाँ उनकी आत्मा वास करती है उसका नाम बताया। मंत्री ने गुरुजी को अपने नगर में आने का निमंत्रण दिया। गुरुजी कृपया कर आप मेरे साथ मेरे नगर में चले। हम तो फकीर हैं, हम जहाँ बैठ गए वहीं बैठ गए। मंत्री वापस राजा के पास आ गया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, आपके नगर में एक अलौकिक शक्तियों के स्वामी एक संत आए हैं। आप भी मेरे साथ चले और अपने मन में कोई धारणा लेकर चलना। अगर पूरी हो गई, सच हो गई, तो
तो वाकई में ही हम मान जाएंगे कि वो एक सिद्ध पुरुष है, और अगर पूरी नहीं हुई तो यह सिद्ध हो जाएगा कि वह व्यक्ति भी कोई आम ही आदमी है। राजा मंत्री की बात से सहमत होकर चलने को तैयार हो गया। उसने अपने मन में सोचा, अगर यह मेरा भोजन है तो मैं इन्हें तल कर खाऊंगा, और अगर मैं ही अंधा हो गया तो मैं इनकी सेवा करूंगा। यह सोचकर वह अपने सभी सैनिक और राजाओं के संग गुरुजी के पास चला गया। जैसे ही वह सब गुरुजी के पास पहुंचे, मंत्री को छोड़कर सभी अंधे हो गए। यह देखकर मंत्री ने राजा से उनके विचार पूछे, हे राजन, अब बताओ गुरुजी सिद्ध पुरुष हैं या नहीं? राजा देवलूट मान गया। मंत्री जी, तुमने बिल्कुल सही कहा था, जैसा कहा था वैसा ही पाया। अगर ये अब मुझे दिखे तो मैं इनके चरण पकड़ लूंगा। मंत्री ने गुरुजी से राजा को भी दर्शन देने की प्रार्थना की। क्यों राजा देवलूट, तुम अपनी आंखें खोलकर क्यों नहीं देखते? इतना कहते ही राजा को गुरुजी नजर आने लगे। राजा ने तुरंत गुरुजी के पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी। गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप हमारे संग हमारे महल में भोजन के लिए चले। परंतु गुरुजी ने कहा, तुम्हारा खाना हमारे खाने योग्य नहीं है। गुरुजी, मैं आपके लिए शाकाहारी भोजन बनवाऊंगा। मनुष्य और अन्य जीवों पर दया किया करो, उन्हें तलकर खाना छोड़ दो। अगर आप चाहें तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। गुरुजी राजा की यह बात सुनकर उनके साथ उनके नगर में चले गए, और वह वहाँ 9 महीने तक रुके। सतनाम श्री वाहे गुरु। हे प्रभु, तेरे दासों का रहन सहन पवित्र रहता है, ताकि किसी भी तरह से उनकी तेरे से लगी प्रीत टूट ना जाए। हे भाई, परमात्मा के दासों को अपनी जिंद से, प्राणों से, मन से, धन से वह परमात्मा ज़्यादा प्यारा है जो अहंकार के रास्ते में बांध लगाने की शक्ति रखता है। हे भाई, परमात्मा के दर पर नानक यह अरदास करते हैं कि उस परमात्मा के चरणों में नानक का प्यार बना रहे। गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सपोर्ट करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं।